अब हम डिस्कस करेंगे कि डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर की हमें एंट्री कैसे करनी है। पहले हम उसका शेयर निकाल लेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय शेयर करके, और फिर हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस में S आता है, C नहीं आता है, बहुत बार आप C लगाते हैं इसमें। सो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि जरूरी है कि इन 5 महीनों में जब पार्टनर ने काम किया तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। अगर सपोज कोरोना काल में उसकी मृत्यु हुई होगी तो इन 5 महीनों में तो लॉस हुआ है, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि फर्म को लॉस हुआ हो। तो ये मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो सकता है कि लॉस हो रहा हो, तो उसके हिस्से में लॉस आएगा, फिर उस पार्टनर के हिस्से में लॉस आएगा और लॉस की क्या एंट्री होगी? कॉमन सेंस लगाइए, यदि प्रॉफिट की एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो लॉस की एंट्री क्या होगी? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम लॉस में से उसका शेयर निकाल कर एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रेयर केसेस में होता है वैसे लॉस, लेकिन हाँ एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये एंट्री पास करके दिखानी थी और वहां पर प्रॉफिट की जगह लॉस था। तो ये दो एंट्रीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नए पेज पे आप हेडिंग लिख सकते हैं टू केसेस। व्हाट आर दोस टू केसेस? एक्चुअली होता क्या है, P&L सस्पेंस की एंट्री करते समय भी दो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिसमें कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। अगर सी की डेथ हो जाती है, जैसे आपने रिटायरमेंट का क्वेश्चन करा था, अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी की न्यू रेशियो क्या है? 2:3। गेनिंग रेशियो 2:3, कोई चेंज नहीं है 2:3। डेथ के केस में भी सेम यही सिचुएशन होती है, लेकिन ये तो तब होता है अगर बाकी पार्टनर्स ने डिसाइड करा है, ए और बी ने डिसाइड करा है कि हम अपने प्रॉफिट शेयर में कोई चेंज लेकर नहीं आएंगे। पर यदि ए और बी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना प्रॉफिट शेयर चेंज करना है, चेंज करने से क्या मतलब है, अगर सी के जाने से तो रेशियो 2:3 बन रही है, बट ए एंड बी हैव डिसाइडेड दैट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1। ए और बी डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम तो 1:1 में न्यू रेशियो करेंगे अब अपनी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई चेंज, तो हमारी जर्नल एंट्री पर भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। सो देर आर टू केसेस। पहला केस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। सेम होने का मतलब 2:3:5 था, सी चला गया तो हमने 2:3 रेशियो अपना ली, यानी कि 2:3:5 में अगर ये चला गया तो हमने 2:3 को अपना लिया। यदि हमने 2:3 को अपना लिया, दैट मीन्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सेम, वी हैव नॉट चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यह है केस वन। और केस टू क्या है, वेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजिंग, हमने डिसाइड करा नहीं हम तो 2:3 नहीं लेंगे, हम लेंगे 1:1। अगर हम ओल्ड रेशियो से ही न्यू रेशियो निकालते हैं तो वही हमारी न्यू रेशियो होती है और वही हमारी गेनिंग रेशियो होती है। लेकिन अगर हमारी ओल्ड रेशियो अलग होती है और हमारी न्यू रेशियो अलग होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकाला करते थे? न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम सिंपल एंट्री लिख देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही एंट्री जो हमने सीखी थी अभी, कोई चेंज नहीं है। तो सिंपल, अगर कोई एंट्री में रेशियो में कोई चेंज करने की बात ही नहीं कर रहा है, सो द एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट कर लीजिए इसे। एंड इफ द रेशियो इज चेंजिंग, अगर उसने डिसाइड करा नहीं 2:3 है, हम तो 3:2 करेंगे, 1:1 करेंगे, 5:2 करेंगे, 4:3 करेंगे, कुछ भी XYZ कोई भी रेशियो वो चेंज कर रहा है, उस सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैसे समझना है? P&L सस्पेंस वर्ड को हटा देंगे और P&L सस्पेंस वर्ड की जगह क्या जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसकी जगह आ गया? P&L सस्पेंस की जगह। अमाउंट वही रहेगा जो यहां पर हमने अमाउंट निकाला है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय शेयर करके, वही अमाउंट हम यहां लिख देंगे। लेकिन यहां पर P&L सस्पेंस की जगह कौन आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर। सपोज इन दिस केस
अगर यहाँ पर ए 1:1 है, 2:3, हमने गेनिंग रेशियो निकाली, कुछ गेनिंग रेशियो आती, ए बी सी, हु इज द डिसीज्ड पार्टनर सी एंड हु आर द गेनिंग पार्टनर्स, अगर एंट्री रेशियो ठीक आती तो ए और बी, तो हमारी एंट्री हो जाती ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, अगर रेशियो चेंज हो रही होती। और इस अमाउंट को जब भी गेनिंग वर्ड आ गया तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, गेनिंग रेशियो में। यहां पर क्या होता, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मृत साझेदार का प्रॉफिट में हिस्सा निकालकर सिंपल एक एंट्री कर देते। तो अगर प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं तो एंट्री में भी कोई चेंज नहीं, प्रॉफिट रेशियो में चेंज तो पी एंड एल सस्पेंस को उड़ा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, गेनिंग पार्टनर्स लिख देंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से जो जो पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे बस उन्हें नोट डाउन करते जाएंगे। देर आर थ्री पार्टनर्स आर डी एंड के, थ्री पार्टनर्स एंड द रेशियो इज 3:2:1, ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। नाउ डी डाइट, किसकी मृत्यु हो रही है, डी की मृत्यु हो रही है, आर डी के, किसकी मृत्यु हो रही है, डी की मृत्यु हो रही है, कब हो रही है, 30 जून को। तो कितने समय के लिए उसने काम करा, 1 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक, 1 अप्रैल से 30 जून तक कितने महीने हुए, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, कितने महीने हो गए, 3/12। अब आगे पढ़ते हैं, थ्री पार्टनर्स 3:2:1, डी डाइड ऑन 30 जून, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिटरमिंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालना है, विच वॉज 3,60,000, पिछले साल का प्रॉफिट 3,60,000 है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, इसके आधार पर हमें निकालना है, एंड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये लाइन नहीं लिखी है इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू अज्यूम दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, ये हमें अज्यूम करना होगा, क्योंकि इससे अलग अगर कोई भी बात है तो वो सवाल को हमें बतानी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे सोल्यूशन होगा, कौन, टाइम और शेयर, तीन बातें हमें लिखनी है, कौन, कौन मरा, आंसर इज डी, टाइम, कितने समय के लिए उसने काम किया, अप्रैल, मई, जून, कितने समय के लिए काम किया, 3/12। शेयर, डी का शेयर देखो कितना है, आर डी के, डी का शेयर कितना है, 2/6, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, 1/3, ये हमें डी का शेयर मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डी का शेयर प्रॉफिट में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी शेयर इन प्रॉफिट, व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय शेयर, अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने समय के लिए काम किया उसने, 3/12 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर कितना है, 1/3, और जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30,000। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, क्या जर्नल एंट्री सीखी है, कोई रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, डी कौन है हमारा, डिसीज पार्टनर, कितना प्रॉफिट है उसके हिस्से का, 30,000, ये हो गई हमारी एंट्री। अगर यहां पर रेशियो चेंज हो रही होती तो पी एंड एल सस्पेंस की जगह क्या नाम आ जाता, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और इस 30,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसे कर लीजिए, आगे अगली वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।